अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, ये यहाँ से ट्रांसफ़र ले लेती हूँ, ये जॉब छोड़ के वापस दिल्ली आ जाती हूँ, तो तुम्हारा काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो सकता है, तुम्हें काफ़ी कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। और बहुत जल्दी ये राइडर है, हॉर्स है, जैसे हॉर्स पे बंदा भाग रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ये तुम्हें बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा। अभी तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन शायद क्लियर हुआ होगा, तुम्हें बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा कि ये कन्फ्यूजन कैसे, मतलब ये सब कैसे क्लियर करना है, अपनी फैमिली के पास कैसे वापस जाना है। मे बी जैसे क्लाउड है, क्लाउड दिखाता है कि हमारे माइंड में कन्फ्यूजन है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आगे हमें कोई चीज़ दिख नहीं रही है। तुम्हें अभी इस टाइम पे ये लग रहा है। और ये हार्ट कार्ड आया है, हार्ट कार्ड आपको बताता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे हस्बैंड के साथ अच्छा है। तो इन टोटल जो तुम्हारा फैमिली रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली रिलेशनशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कार्ड, इन तीनों कार्ड को रीड किया जाए तो यही पता चलता है तुम्हारे हस्बैंड का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें स्टेबिलिटी है और बहुत जल्दी तुम भी तुम्हारे हस्बैंड और फैमिली के पास चली जाओगी। ये तीनों कार्ड दिखा रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड में काफ़ी डिस्कशन हुआ। लाइक पहले क्वेश्चन में भी यही आया था कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ जॉब छोड़ने का काफ़ी डिस्कशन हुआ है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी कन्फ्यूज हो। तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पा रहा तुम्हें क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी फैमिली की